गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सैवंथ, सबजैक्ट पंजाबी। बेटा अज आप पंजाबी व्याकरण के फोर्थ चैप्टर करांगे, लिपि ते लगा मात्रा। लिपि की हुंदी है, उसने केड़िया लगा, हरेक भाषा के केड़िया लगा मात्रा की वरतों की जाती है। सब तो पहला की है लिपि। हर भाषा वक् वक् तरीके लिखी जाती है। किसी भी भाषा ध्वनियां नूं लिखण लई वक् वक् भाषाई चिन्हां की वरतों की जाती है। ये सारे विशेष चिन्ह मिलकर किसी विशेष दी लिपि अखवाते हैं। हर भाषा नूं लिखण लई वक् वक् ध्वनियां की वरतों की जाती है, जिसनूं लिखण लई अलग अलग भाषाई चिन्ह वरते जाते हैं। ये चिन्ह मिलकर एक विशेष तरह की लिपि अखवाते हैं। लिपि की है बोली का पहरावा है। लिपि की है डैश बोली का पहरावा है लिपि। मनुख की है बोली, पहरावा की है लिपि। भाषा नूं लिखती रूप देण लई जिन्हां अक्षरां लगा मात्रावां अते लगाखरां की वरतों की जाती है, उसनूं लिपि आखते हैं। लिपि किसनूं आखते हैं? भाषा नूं लिखती रूप देण लई जिन्हां अक्षरां लगा मात्रावां अते लगाखरां की वरतों की जाती है, उसनूं लिपि आखते हैं। भाषा ते लिपि विच की अंतर है? भाषा ते लिपि विच बहुत ज़्यादा अंतर है। असी जो बोलते हाँ वह साडी भाषा जां बोली है, जो असी बोलते हाँ वह साडी भाषा जां बोली है। उसनूं लिखण लई जिन्हां भाषाई चिन्हां की वरतों की जाती है वह उसकी लिपि है। उसनूं लिखण लई जिन्हां भाषाई चिन्हां की वरतों की जाती है वह उस भाषा की लिपि है। किसी हर भाषा नूं किसी भी लिपि विच लिखा जा सकता है। हर भाषा नूं किसी भी लिपि विच लिखा जा सकता है। जिवें पंजाबी भाषा की है, जे मैं किसी नाल नहीं लड़ता, पंजाबी विच लिखता है। भाषा केड़ी है? पंजाबी। लिपि केड़ी है? इहदी गुरमुखी। मैं किसी नाल नहीं लड़ता, इसनों लिखता हिंदी च लिखता, पर भाषा तो पंजाबी नाल ही लिखी है ना आप, क्योंकि इहदी लैंग्वेज है मैं किसी नाल नहीं लड़ता। अगर आप इहनूं हिंदी च लिख दे मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, तो हिंदी आंदा है। इहदी लिपि केड़ी है? देवनागरी। मैं किसी नाल नहीं लड़ता मतलब कि उसकी भाषा, उसका बोलन का ढंग तो उही है, इसलिए वह भाषा की है पंजाबी। इस लिपियां की है अलग अलग, क्योंकि इसनों लिखण लई लैंग्वेज अलग अलग है। उपर किते वर्णन विच पंजाबी भाषा नूं होर भाषावां दी लिपियां विच लिखण दी कोशिश की गई है, पर इंज कारण भाषा अपनी सुंदरता खत्म हो जाती है। लिखण लई कई मुश्किलां आउंदियां हन, जिवें पंजाबी भाषा विच मैं विच पई बिंदी अनुनासिकी तो धुनी रोमन लिपि विच नहीं मिलदी, इसलिए मैं दा उच्चारण मां लई आई लई बन जाता है। इंज ही राड़ा अक्षर लई अंग्रेजी विच कोई धुनी नहीं है। राड़ा अक्षर लई अंग्रेजी विच कोई धुनी नहीं, इसलिए लड़दा शब्द रोमन लिपि विच लिखिए तो लड़दा बनता है। सो हर भाषा नूं उसकी अपनी लिपि विच ही लिखना चाहिए है। भाषावां ते उहनां दी लिपियां, जिवें हिंदी ते संस्कृत भाषा, इहदी लिपि केड़ी है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरमुखी, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन, बंगला की बांगला। गुरमुखी लिपि की हुंदी है? गुरमुखी लिपि पंजाबी भाषा नूं लिखण लई एक विज्ञानक टुकमी ते फवमी लिपि है। जदों वर्णा जां अक्षरां नूं तरतीब अनुसार लिखा जाता है उसनों वर्णमाला आखते हैं। जदों वर्णा जां अक्षरां नूं एक ढंग अनुसार लिखा जाता है उसनों वर्णमाला आखते हैं। वर्णमाला दे अक्षरां नाल लगा मात्रा लगा के गुरमुखी लिपि बनती है। गुरमुखी लिपि की वर्णमाला। पंजाबी गुरमुखी विच पहला 35 अक्षर सन, इस कारण इसनों 35 भी कहा जाता है। बाद विच 6 अक्षरों की नवीन वर्ग टोली के मिल जाने कारण इन्हों की गिनती 41 हो गई। अरबी ते फारसी भाषा के स्पष्ट ते ठीक उच्चारण लई नवीन वर्ग टोली के पहले 5 अक्षरों के पैरी बिंदी लगा दिता गया। जिहड़े नवे 5 अक्षर ऐड किए गए सी वह पहले 5 अक्षरों पहले 35 अक्षरों विचों ही लए गए सन, उन्होंने पैरी बिंदी लगा दी गई सी, जिस नाल इन्हां दी गिनती 41 हो गई। मुख वर्ग केड़ा है? ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हाँ। क वर्ग कक्के वाली लाइन, च वर्ग चच्चे वाली, ट वर्ग टैंके वाली, त वर्ग तत्ते वाली, प वर्ग पप्पे वाली। अखीरला वर्ग केड़ा है? जिया रारा लला वाहवा राड़ा। नवीन वर्ग जड़ा नवा बनया। इस तो बाद की है बेटा लगा मात्रा। वर्णा नूं जोड़ के शब्द बनते हैं, पर तर कर कर पर्वत आदि। बहुत सारे शब्द इंजदे हुंदे हैं जिन्हां नूं लिखण लई वर्णा जां अक्षरां तो इलावा होर भाषाई चिन्हां की वरतों की जाती है, मतलब उन्हां नूं लिखण लई मात्रावां की वरतों की जाती है। उन्हां नूं की कहिंदे है? लगा भाषाई चिन्ह। जिवें कि मुक्ता, मुक्ता च कोई चिन्ह नहीं लगता, सिर्फ अक्षर की आवाज़ हुंदी है। कन्ना च कन्ना की मात्रा चिन्ह आ।
सियारी दे विच सियारी दी मात्रा, व्यारी च व्यारी दी, लां दी लां दी, दुलावां दुलावां, होड़ा कनोड़ा औंकड़ दलैंकड़। लगा मात्रा ते उन्हां दी वरतों, सब तो पहला की है बेटा मुक्ता। मुक्ता का कोई चिन्ह नहीं हुंदा, जिवें कि कोई उन्हों मात्रा नहीं लगती, सिर्फ सिंपल अक्षर लिखे जाते हैं करम नरम कनक गलत आदि। सैकेंड की है बेटा कन्ना, कन्ना नूं की है हिंदी दे विच इसनूं आ की मात्रा आखते हैं, यह लंबा ई विच अक्षर तो अद्धा हुंदा है, जिवें आप तारा यार कार साफ आदि, ये अक्षर तो अद्धा लगता है, मतलब कि इसकी लंबाई इत्थे तक हुंदी है इत्थे तक नहीं हुंदी। हिंदी भाषा में जो आप आ की मात्रा लिखते तो बराबर पूरा लिखते हैं, पर पंजाबी भाषा दे विच ये अद्धा लिखा जाता है। थर्ड की है सियारी, इसकी आवाज़ ई हुंदी है, इसमें हिंदी दे विच छोटी ई की मात्रा कहा जाता है, इसकी आवाज़ छोटी होने करके लघु स्वर कमाती है, ये अक्षर तो पहला लगती है, जिवें कि सिर तिल किसान धरिया मिल चिन्ह आदि। नैक्सट की है बिहारी, इसकी आवाज़ लंबी होने करके दीर्घ स्वर आती है, इसकी आवाज़ लंबी होने करके इसमें की आख्या जाता है दीर्घ स्वर, इसकी आवाज़ बड़ी ई हुंदी है, हिंदी में इसमें की कहते हैं बड़ी, ये अक्षर तो बाद लगती है, जिवें कि कवी कड़ी कूड़ी कली फलियाँ बलियाँ आदि। नैक्सट की है बेटा होड़ला, इसकी आवाज़ लंबी होने करके दीर्घ स्वर रखवाती है, इसकी आवाज़ लंबी होने करके दीर्घ स्वर रखवाती है, ला की है अक्षर के उपर लगती है, जिवें कि मम्मे नू ला ज मेज पेड़ बेल शेर आदि। नैक्सट की है बेटा दुलावां, दुलावां का अर्थ की है दो प्लस ला अर्थात दूरी ला, दुलावां की आवाज़ भी लंबी होंदी है इसलिए इसनों भी दीर्घ स्वर रखवाती है, ला वांग दुलावां भी अक्षर के उपर ही लगती है, जिवें कि पैर तैर सैर बैर खैर आदि। अगे की है बेटा औंकड़, इसकी आवाज़ छुटेरी, छुटेरी मतलब छोटी, छोटी होने करके इसनों लघु स्वर आख्या जाता है, ये अक्षर के हेठा लगती है, जिवें कि पुर तुर सुन जुलम कूड़म उत्तर आदि। नैक्सट की है बेटा दुलैंकड़, दुलैंकड़ का अर्थ है दो प्लस औंकड़, मतलब कि अर्थात दूरा औंकड़, इसकी आवाज़ लंबी होंदी है इसलिए इसनों दीर्घ स्वर आख्या जाता है, ये अक्षर के हेठा लगती है, जिवें कि नूँ जो रू मू धूआं रूप पूरी चूरी तूड़ी आदि। नैक्सट की है बेटा होड़ा, इसकी आवाज़ लंबी होंदी है, होड़े की आवाज़ की होंदी है लंबी होंदी है, इस करके इसनों दीर्घ स्वर आख्या जाता है, ये अक्षर के उपर लगती है, जिवें कि चोर होर पोर तोर बोर आदि। नैक्सट की है बेटा कनोड़ा, आड़ा ते ऊड़ी दी इकट्ठी आवाज़ नूं पगटाउण वाला स्वर कनोड़ा खवांदा है, जिथे आड़े की आवाज़ भी आती है तो ऊड़े की आवाज़ भी आती है, तो उसनों प्रगटाने लई कनोड़ा की वरतों की जाती है, कन्ना प्लस होड़ा अर्थात कनोड़ा, ये भी दीर्घ स्वर है, अक्षर दे उपर लगाया जाता है, जिमें कि गोरी कोली पौड़ी फौजी मोली आदि। ऊड़ा आड़ा ईड़ी नाल लगन वाली लगा, जिहड़ियां ऊड़ा आड़ा ईड़ी नाल अलग अलग तरह दी मात्रावां लगदियां हन, जिवें कि ऊड़े नाल, ऊड़े नाल केवल यही मात्रावां लगनगियां, इस तों इलावा होर कोई मात्रा नहीं लगेगी, जिवें कि उस्ताद औंकड़ दी मात्रा, दुलैंकड़ दी मात्रा ते होड़े दी, बस तीन मात्रावां लगदियां ऊड़े नूं, औंकड़ दुलैंकड़ होड़ा, आड़े नूं कनोड़ा दुलावां कन्ना मुक्ता, कनोड़ा दुलावां कन्ना ते मुक्ता, ईड़ी नूं सियारी व्यारी ते लावां, सियारी व्यारी ते लावां। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।